नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश। आप देख रहे हैं करियर बाबा जी, और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सिविल डिफेंस जो है वो जॉब है या नहीं। थंबनेल में आपने बिल्कुल सही पढ़ा कि सिविल डिफेंस जॉब नहीं है, और वो किस तरह से नहीं है सिविल डिफेंस जॉब, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए, और अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। देखिए, सिविल डिफेंस जॉब है या नहीं, इससे जानने से पहले, इसको समझने से पहले, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि सिविल डिफेंस की शुरुआत किस तरह से हुई, और सिविल डिफेंस किस उद्देश्य से, किस लक्ष्य से, किस ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट किया गया था। उसी से आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि सिविल डिफेंस जॉब है या नहीं। देखिए, बॉर्डर पे जो थी हमारी सेना, वो तो एकदम, मतलब आप मान लीजिए कि पहले भी वो एकदम बेस्ट थी और अभी भी एकदम बेस्ट है, यानी कि उनको हराने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। ठीक है, तो यानी कि बॉर्डर पे तो हमारी सिक्योरिटी है, बॉर्डर पे तो हमारी रक्षा करने के लिए जो आर्मी वाले होते हैं वो तैनात हैं, ठीक है, और हमारी रक्षा भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन हमें कुछ ऐसे लोग चाहिए थे जो यहाँ पे अंदर रह के, यानी कि भारत के अंदर रह के, राज्यों के अंदर रह के, अपनी गलियों के अंदर रह के, अपने अपने गलियों के बाहर, जो आपके घर के बाहर जो लोग हैं, उनकी रक्षा कर सकें, उनकी सहायता कर सकें, और मान लीजिए कोई आपदा आती है तो वहाँ सहायता कर सकें। कभी हमें बहुत लोगों की ज़रूरत पड़े, जैसे कि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अभी लॉकडाउन नहीं है, लेकिन अभी अगर आप हाल फिलहाल में ये वाली वीडियो को देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी भी हमारे जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं वो एकदम तैनाती से लगे हुए हैं, और लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूशन में और बहुत सारी चीज़ों में, सप्लाई चेन में बहुत मदद कर रहे हैं, अलग अलग कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो ये इसी पर्सपेक्टिव से ही स्टार्ट किया गया था, इसी ऑब्जेक्टिव से ही स्टार्ट किया गया था कि जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर होंगे वो यहाँ पे देश के अंदर, बॉर्डर पे तो हमारी सेना है ही है, ये देश के अंदर हमारे भारत के लोगों की है, वो रक्षा करेंगे। कभी कहीं आपदा जाती है, कभी कहीं कोई डिज़ास्टर हो जाता है, जैसे कि अभी तकरीबन 1 से 1.5 महीने पहले की बात है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन आप मान लीजिए कि 1 से 1.5 महीने पहले की बात है, दिल्ली में जो है वो एक मेट्रो ख़राब हो गई थी, या यूँ कहें कि मेट्रो का कुछ इशू हो गया था, जिसमें सिविल डिफेंस के वॉलंटियर वहाँ तुरंत पहुंच गए थे। तो यहाँ पे ऐसी जो आपदाएं आ जाती है, ऐसी जो दुर्घटना हो जाती है, तो यहाँ पे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर ही काम आते हैं, क्योंकि हम बॉर्डर से आर्मी को तो नहीं बुला सकते, और पुलिस भी थोड़ा लेट ही पहुँचती है, और पुलिस जो होती है एक एरिया के अंदर वो लिमिटेड होती है, लेकिन सिविल डिफेंस के वॉलंटियर लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड भी हो सकते हैं। जितने लोग होते हैं एक एरिया के अंदर, उनमें बहुत सारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हो सकते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि सिविल डिफेंस के वॉलंटियर होने भी चाहिए। आप हिस्ट्री समझ गए कि इसलिए इस ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट किया गया था कि सिविल डिफेंस के वॉलंटियर जो होंगे वो हेल्प करेंगे, और इसमें पैसे देने की बात क्यों नहीं कही गई थी, यानी कि इसको हम जॉब की तरह क्यों ट्रीट नहीं करेंगे, इसकी बात करते हैं। पैसे देने की बात इसलिए नहीं की गई थी क्योंकि आपदा डेली नहीं आती, आपदा रोज नहीं आती, आपदा हर हफ्ते नहीं आती, ये कभी कभी होता है, और कभी कभी जब ये होता है तो कभी कभी जब वॉलंटियर की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनको बुलाएंगे, और क्योंकि वो अपनी जॉब छोड़कर आ रहे हैं, क्योंकि वो अपना एक बहुमूल्य समय दे रहे हैं, दे आर डिवोटिंग देयर वैल्यूएबल टाइम्स, और बहुत सारा जो है अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ देश की रक्षा के लिए, यानी कि लोगों की सहायता के लिए, सामाजिक कार्य के लिए। तो इसीलिए ये जो शुरुआत हुई कि इनको थोड़ा पैसा भी देना शुरू कर दो, क्योंकि ये अपना बहुमूल्य समय जो है वो इसमें डिवोट कर रहे हैं। तो पैसा जो है वो तब मिलता था, मान लीजिए कोई हफ्ते दो हफ्ते में कहीं कोई एक एक्सीडेंट हो गया, और एक कुछ सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बुला लिया, कोई वो स्ट्रेचर बना के उनको लेके चले गए, हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया, तो उनका एक दिन बर्बाद हो गया, तो उनको पैसे देना ये शुरुआत हो गया उसके उसके थोड़ा बाद में। एकदम स्टार्टिंग में ऐसा पैसे देने का कोई सिस्टम नहीं था इसके अंदर, बाद में ये धीरे धीरे करके डेवलप हुआ, और इसमें पैसे मिलना चालू हो गए, इसको आप भत्ता कहते हैं, और ये मिलना चालू हो गया था। जब सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग भी करते हैं, ट्रेनिंग के भी आपको पैसे मिलेंगे, जो बेसिक ट्रेनिंग होती है उसके तकरीबन आपको 69 रुपीज़ मिलते हैं, यानी कि तकरीबन 400-500 रुपये आपके अकाउंट में आते हैं, लेकिन थोड़ा लेट आते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है सरकारी काम है तो टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। तो पैसे हर चीज़ के मिलते हैं, आप अपना समय दोगे तो पैसे मिलेंगे, बस इतनी सी बात है। और लेकिन कुछ जॉब्स ऐसी होती है जिसमें
जिसमें सरकार के पास खुद ही पैसे नहीं होते, अगर होते भी हैं तो इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता, सरकार के पास पैसे हैं या नहीं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसमें सरकार पैसे नहीं देती है, उसको हम निष्काम ड्यूटी में डाल देते हैं, जो कि अभी भी सिविल डिफेंस में कराई जाती है और उसके पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम पे पैसे नहीं मिला करते थे इसके अंदर, ठीक है? तो आप ये चीज़ बहुत आसानी से समझ गए होंगे। अब जब जब सिविल डिफेंस के वॉलंटियर को बुलाया जाने लगा, उनको पैसे दिए जाने लगे, अब क्या हुआ कि कभी कभी होती थी आपदा, कभी कभी होता था डिजास्टर, लेकिन अब ऐसी स्थिति हो गई भारत के अंदर, महिलाओं के प्रति हो रही हिंसा, चोरी, डकैत डकैती, और जेब कट रहे हैं, कोई ब्लेड मार के चले जा रहा है, और DTC बसों में बहुत असुरक्षित महसूस करने लग गई महिलाएं। तो ऐसी स्थिति जब भारत के अंदर उत्पन्न होने लगी, भारत के अंदर तो मैं नहीं बोलूँगा, आप इसको दिल्ली के अंदर लेके चलें, क्योंकि मैं दिल्ली सिविल डिफेंस का हूँ, तो मैं दिल्ली सिविल डिफेंस की ही बात करूँगा। जब ऐसी स्थिति पैदा होने लगी, तब उनको ऐसा लगा कि हमें ये जो स्थिति है, जो सिचुएशन अभी चल रही है दिल्ली के अंदर, ये भी कोई आपदा से कम सिचुएशन नहीं है। जैसे कि मान लीजिए ऑड इवन होता है, तो उसमें भी बहुत देखना पड़ता है कि भाई इतना पॉल्यूशन का मैटर है, बहुत लोगों की जान, मतलब अस्थमा अस्थमा जैसे बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज हो सकती है इससे, तो ऑड इवन में भी इनको ड्यूटी दी जाने लगी। स्टार्टिंग में जो था ये ऑड इवन से ही शुरू हुआ था, ये जो हमारा सिविल डिफेंस है, सिविल डिफेंस ऑड इवन से शुरू नहीं हुआ था, मतलब सिविल डिफेंस तो पहले से ही है, लेकिन ऑड इवन से शुरू होने से मेरा ये मतलब है कि बहुत ज़्यादा लोगों की जो भर्ती होने लगी वो ऑड इवन के बाद से ही होने लगी थी और शुरू हो गई थी, तकरीबन 2010 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये उस टाइम पे भर्ती बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी। तो ये बात जो है कि जब इतने सारे लोग आने लगे, तो उनको ऐसा लगा कि जब डेली ऐसी सिचुएशन हो गई है कि डेली आपदा जैसी स्थिति हो गई है, कभी कोई महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो कुछ क्या हम ऐसे किसी वॉलंटियर को तैनात कर सकते हैं जो हेल्प करें एक महिला की, जो हेल्प करें जब कोई डिजास्टर आए, जो हेल्प करें कभी कोई रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके लिए DTC मार्शल जो हैं वो भर्ती किए जाने लगे। तो यही है वो DTC मार्शल जिसके पीछे आप हाथ धो के पड़े हैं और जो सब बनना चाह रहे हैं कि हमें भी DTC मार्शल बनाओ, हमें भी DTC मार्शल बनाओ। तो ये है वो DTC मार्शल, और इसमें पैसे मिलने जाने लगे। ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, ये कोई ऐसा बहुत बढ़िया चीज़ नहीं है। जैसे ही सरकार को लगेगा, जैसे ही DTC को लगेगा कि अब हमें आवश्यकता नहीं है, तो वो आपको निकाल देंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको निकाल देंगे। ये मैंने एक और वीडियो में आपने बोला था, इसको मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ इसी चीज़ को, ठीक है? ये वाली चीज़ को आप ध्यान समझिए। और एक आखिरी चीज़ बता रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है मैं जानता हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने अभी ये सारी चीज़ें आपको बताने का सोचा है। देखिए, ठीक है, तो आप इसको एक जॉब के परस्पेक्टिव से ना लें। अगर आप ये पार्ट टाइम का मेरा मतलब है, जैसे कि अभी आपने 12वीं पास कर ली और अभी आपके पास कोई काम नहीं है, अभी आप ओपन स्कूलिंग से और ओपन कॉलेज से अपना कॉलेज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप खाली बैठे हैं, तो आप कर लें। उसके साथ साथ आप किसी जॉब के लिए तैयारी ज़रूर करें, ये कोई परमानेंट जॉब नहीं है, नहीं है, नहीं है, लेकिन इसमें तो बेसिक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मिलता है, बहुत सी जॉब्स होती है जिसमें ये आपके काम आ सकता है। इसके जो एडवांस ट्रेनिंग के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी आपके बहुत जगहों पे काम आ सकते हैं। ये एविएशंस में जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स होते हैं उन पे भी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अगर ये सर्टिफिकेट्स होते हैं आपके पास, तो आपको जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और भी कोई सवाल हो आपके सिविल डिफेंस जॉब है या नहीं इससे रिलेटेड, नीचे कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।